माता की। भाई ऐसे नहीं, राव साहब बोले उससे पहले दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बीच के नारे लगाने, भारत माता की, भारत माता की, राव इंद्रजीत सिंह की। अब मैं जिनका आपको इंतजार था, ऐसी महान शख्सियत शहीद आजम राव तुलाराम के वंशज, हरियाणा की आन, हरियाणा की बान, हरियाणा की शान, ऐसे ईमानदार परिवार जिनकी कसम पूरा हिंदुस्तान खाता है, ऐसी महान शख्सियत को निवेदन कर रहा हूं वो आए और अपने विचार रखे, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जिनकी नीति अच्छी है, जिनकी नियत अच्छी है, ऐसे महान शख्सियत हरियाणा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी आए और अपने विचार रखे, जिन्होंने हरियाणा के अंदर 4 बार और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में 5 बार प्रतिनिधित्व किया ईमानदारी से, जिन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, ऐसी महान योद्धा को मैं निवेदन कर रहा हूं आए और अपने विचार रखे। माननीय राव इंद्र सिंह जी जोरदार भाई नारा लगाते, राव इंद्रजीत सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा की आन की, हरियाणा की बान की, हरियाणा की शान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक अच्छी तरह से? थोड़ा मेरे को स्टेज के ऊपर पूरी तौर के ऊपर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लोग बोल गए, इतने वक्ता बोल गए, थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आया, पर आप भी को भी ना समझ में आए फिर हमारे यहाँ इतना बड़ा जलसा करने का कोई फायदा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ओम प्रकाश धनखड़ जी का कि हमारी इस सभा के अंदर बतौर अध्यक्ष उन्होंने आना मंजूर किया। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज से कुछ समय पहले मैंने और दिग्गज नेताओं को बुलाया था, उस टाइम तो मैंने खुद रेवाड़ी के अंदर रैली करी थी और राजनाथ सिंह जी और मनोहर पारिकर जी ने दोनों ने हां करी थी के 23 सितंबर को शहीदों को नमन करने के लिए हम रेवाड़ी जरूर पहुंचेंगे। और आते आते एक दिन पहले मुझे खबर लगी कि ओम राजनाथ सिंह जी तो आएंगे, पारिकर साहब नहीं आ पाएंगे। और मुझे इस बार भी यह भय था कि मैं लोगों को बुलाऊं और शायद भारतीय दिग्गज नेता हमारे यहां पर ना पहुंचे। ओम प्रकाश जी का हलका भी है, हमारे पड़ोस का भी है। पटौदा वालों, आपने बड़ा सोच समझ करके ये स्थान चयन किया। मैं सोच रहा था कोविड 2 साल से लोगों से रूबरू नहीं हुए, रेवाड़ी के अंदर, नारनौल के अंदर, अपने पुराने हलके के अंदर, मौजूदा हलके के अंदर अगर मैं किसी दिग्गज को बुलाऊंगा और एंड टाइम के ऊपर किसी भी वजह से वो इनकार कर गए तो मेरी क्या हैसियत बनेगी, मेरे लोगों की क्या हैसियत बनेगी। इसलिए जब पटौदा वालों ने मेरे को यहां आमंत्रित किया, मेरे कंधों पर से बोझ उठ गया। और पटौदा वालों, यादव सभा झज्जर वालों, जो आपने इतनी भारी रैली यहां पर पटौदा के अंदर करी है, उन शहीदों को नमन करने के लिए किया है, जगह जगह जाकर के लोगों को आमंत्रित किया है, जो फासला 2 साल से हमर आपके बीच के अंदर हो गया था उसको पूरा करने के लिए जो किया है, स्टेज की तरफ से हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे साथी एमपी साहब धर्मवीर जी, रमेश जी कौशिक, जनरल वत्स, अरविंद शर्मा जी,
ये भी आज हमारे बीच के अंदर आए हैं, हमारे आपके और मुल्क के शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं और हमारा और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी हमारे मंत्री हैं, ज्यादा देर नहीं बोल पाए, क्षमा चाहता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा चाहता हूं प्रोफेसर छत्रपाल जी का, 6 फुट 3 इंच का जवान हमारा, ये लेट आई है, बोल नहीं पाए। छत्रपाल जी मुझे माफ कर देना आज के लिए। और हमारे एमएलए साहिबान जो बैठे हैं, मंचासीन जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बैठे हैं, चेयरमैन जिला परिषद बैठे हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, मेयर साहिबा बैठे हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि शहीदों को नमन करने के लिए आए। धन्यवाद तो बाद के अंदर पटौदा वाले भी करेंगे, यादव सभा झज्जर भी करेगी, लेकिन शहीद परिवार से वास्ता रखने वाला अगर मैं इनका धन्यवाद नहीं करूंगा, मैं जलसे आयोजित नहीं करूंगा, तो हरियाणा के अंदर और कौन करेगा। और आज आपने हमारे को आज आप लोगों ने हमारे बीच के अंदर सभी को सुना, किसी को थोड़ी देर सुना, किसी को ज्यादा देर सुना। मैं जो वो कह चुके हैं उसको नहीं दोहराऊंगा और अपनी बात खत्म करने से पहले आखिर के 5 मिनट के अंदर मैं अपनी मन की भी बात कह करके जाऊंगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इधर उधर भी चले गए हो तो कृपा करके शेड के अंदर आ जाओ, मेरी मन की बात तो जरूर सुन करके जाना। जिक्र हुआ नसीबपुर कार 1857 का, कितने लोग मारे गए इतिहास है, उसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इतिहास यहां आज नहीं कहा गया उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। यहां बैठे मैं देख रहा हूं दाढ़ी पहने हुए हमारे मेवाती भाई हैं, 1857 के अंदर जहां शेखावाटी के राजपूत थे वहां साथ साथ मेवात के मेव भी 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ लोहा लिए थे। हरियाणा का सारा क्षेत्र जगह जगह के ऊपर याद करता है, जैसे अहिरवाल को अहिरवाल में सीमित करने का प्रयास किया जाता है, इसी तरह से मेवात को मेवात के अंदर सीमित करने का भी एक प्रचलन चलता आया है। आज मेवात को सीमा से बाहर निकाल करके मैं ये कहता हूं कि जितना हम हिंदुओं ने शहादत दी है, बराबर की शहादत हमारे मेव भाइयों ने भी दी है। हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ बाबर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनके नाम के ऊपर कॉलेज है, आज उनको भी हम नमन करते हैं। मैं 47 की भी बात करना चाहता हूं, 1947 की, कश्मीर हमारे हाथ से निकलने लग रहा था, कबीलियों का आक्रमण हमारे देश के कश्मीर के अंदर हो रहा था, और अगर चंद घंटे और बीत जाते और भारत की सेनाएं वहां नहीं पहुंची होती तो कश्मीर की हवाई पट्टी के ऊपर भी उन कबीलियों को तो क्या पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और कश्मीर हमारे से हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लड़क रह गई थी। अभी भी कश्मीर के 2 झंडे थे, वो रड़क आकर के नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी करी है, इसके मिसाल कोई और नहीं कर सकता था। 1962
सन 62 का यह जिक्र किया मेरी बेटी आरती ने, रिजांगला का जिक्र हुआ, शास्त्री जी का भी जिक्र होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, चाहे वो 1.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि हमारी हिफाजत करने वाला कौन है, उसका नारा दो, उसकी जय बोलो। हमारा पेट भरने वाला कौन है, उसका नारा दो, उसकी जय बोलो। जब ही से नारा ये प्रचलित है, जय जवान और जय किसान। और अगर आज किसान का बेटा हमारे साथ देश की हिफाजत के अंदर पेटी बांध करके नहीं खड़ा होता, तो पाकिस्तान चीन हमारे पे काबिज हो जाते। और आज भी भय ये है कि इनसे तो हम लड़ लिए, अफगानिस्तान भी जुड़ गया, तालिबान भी जुड़ गया, और आज के दिन हम अपने किसान को, मजदूर को, पेटी की नौकरी करने वाला जो भी व्यक्ति आज के दिन जाता है, उसको मान सम्मान और इज्जत नहीं देंगे, तो आने वाले समय के अंदर ये तीन मुल्क हमारी चटनी पीस करके हमें को छोड़ देंगे। इसलिए मैं यूं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी का भी नाम जोड़ा जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि यहां बालक थे खड़े, अहीर रेजिमेंट का नारा दिया। '57 के अंदर कुछ कौमें ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, कुछ रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, और उसके बाद अंग्रेजों के साथ दोस्ती नहीं गाठी। तो कुछ लोगों की मंशाओं के ऊपर मंसूबे फिर गए, जो चाहते थे कि फौज के अंदर हमारे भी नाम का एक रेजिमेंट हो, वो रह गए, चाहे वो गुजर हो, चाहे सैनी हो, चाहे हीर हो, चाहे और हो, रह गए। हमारा राजनीतिक लोगों का ये फर्ज है कि जो अंग्रेजों की वजह से जो दुभांत हुई थी, अगर उसको सुधार सकते हैं तो हमारे प्रति लोगों की आस्था है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहां सभी बैठे हुए साथियों का कि आप लोगों ने यह अही रेजिमेंट की मांग जो मैंने उठाई थी उसका समर्थन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सन 71 के अंदर पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान इधर को रह गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बन गए, और हमने क्या किया कि भाई हम तो दरिया दिल हैं, जाओ अपने मुल्क जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हार गए यही बहुत है, और उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया। और वो लोग उसके बाद जगह जगह के ऊपर हमारे चोबे बार बार मारते रहे, 100 जगह से हमारा खून हमारे देश की देही में से निकालते रहे। हमारे को आज के दिन ये सोचना होगा कि क्या हम राजनेताओं ने वाजिब फैसले अनेक बार किए या नहीं किए, और अगर वाजिब फैसले नहीं थे, गलत फैसले थे, तो वो दोबारा से दोहराए नहीं जाए। मैं कारगिल का जिक्र करना चाहता हूं। फौजें लड़ती हैं, उनको हथियार दिए जाते हैं, बंदूक पकड़ो, तोप पकड़ो, ग्रेनेड पकड़ो, अटरम पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, फेंको, दुश्मन को मारो। कारगिल के अंदर क्या हुआ कि आप जाकर के कारगिल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर काबिज हो, ये फतवा हमारे फौजियों के कप्तानों ने, फौजियों के जनरल ने दे दिया, और साथ साथ क्या कह दिया कि तुम्हारा एक हाथ हम पीठ के पीछे बांधेंगे, सिर्फ एक हाथ से लड़ाई करोगे,
और वो कैसे कि तुम पाकिस्तान की सरहद में नहीं जाओगे, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी खड़े हैं तो सामने लड़ाई करोगे, पीछे से नहीं घेरोगे, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, सारा मामला इंटरनेशनल हो जाएगा, बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, एक हाथ पीछे बांध करके और तुम अपनी जान बेशक गवा लो, लेकिन इंटरनेशनलाइज नहीं होना चाहिए मामला। भाई ये भी मैं सोचता हूँ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमने फतेह फिर भी पाई कारगिल के अंदर। और जो भी लोग आज के दिन सरहद के ऊपर अपनी जान दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी दिए थे, उन सबको मैं नमन करने के लिए आज कब के बीच में आते हैं। लोग कहते हैं कि मैं राजा शाही परिवार से हूँ, शहीद परिवार का भी हूँ, ये भी कहते हैं राजा शाही परिवार का है, यूँ भी कहते हैं। कई जगह तो राजा शाही परिवार का अगर नाम आता है तो तुम्हारे ऊंचे काटा लग जाता तुरंत। लेकिन हमारी राजा शाही तो अंग्रेजों ने छीन ली थी, 1857 के बाद जो हमारी रियासत थी वो कहां बची थी? आज के दिन अगर कोई मेरे को राजा कहता है या राजशाही कहता है या शहीद परिवार का कहता है, वो इसलिए कहता है कि उसके दिल में मेरे प्रति और मेरे पूर्वजों के प्रति प्यार है। मैं 5 बार एमपी बना हूं, 4 बार एमएलए बना हूं, हरियाणा में कोई और नहीं बना अभी तक। अगर मैं गलत होता तो मेरे को बार बार लोग चुन देते क्या? और आज आपको मैं यूं कहना चाहता हूं कि 40 साल मेरे को हो गए राजनीति के अंदर, 40 साल मेरे बाप को हो गए थे राजनीति के अंदर, उससे पहले उनके बाप को हो गए थे, बार बार हमको क्यों चुनना चल रहे हैं? एक ही कारण है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं, एक ही कारण है कि जनता के साथ हम दुहात नहीं करते, एक ही कारण है कि बार बार लोग आज के दिन भी कहते कि इंद्रजीत सिंह आप लड़ो और अपनी बेटी को भी लड़ाओ, लेकिन पार्टियां फैसला करती है नहीं लड़ाया। नेता कैसे बनते हैं यह भी मैंने सीख लिया, 2 तरीके हैं, या तो पार्टी आपको ऊपर से पैराशूट से घेर दे तो आप नेता बन जाओगे, या पब्लिक आपको नीचे से सराहा दे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, मंत्री तो बन जाओगे, एमएलए भी बन जाओगे, हार भी जाओगे और फिर भी दोबारा बन जाओगे, कई बारों के बाद जाकर के कोई लोग नेता बनता है जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं मुझे ही पता है। ये 2 तरीके तो मैंने बता दिए कि या ऊपर से आ जाओ या नीचे से आ जाओ। मुझे फक्र है कि मैं नीचे से आया हूं, और कोई यूं मेरे से कह दे तूने आने की फिरकत क्यों नहीं शुरू करी, भाई मेरे बस की नहीं इसलिए नहीं करी, मैं ऊपर से नहीं आ सकता था क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, तो मैं कैसे करूं, पब्लिक के साथ मैं धोखा तो नहीं कर सकता, तो मुझे इस बात का फक्र है। आज के दिन मैंने एक और चीज देखी है, गाली गलौच जो चढ़ रहा हो उसको गाली गलौच करो, कुछ साथी हमारे मीडिया के उसका साथ दे देते हैं, अखबारबाजी हो जाती है, उसका नाम छप जाता है, मीडिया के अंदर आ जाता है, वो नेता कहलाने लगता है। लेकिन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज फिर आपको कहता हूं कि नेता की फराक में मैं हूं कि किसी दिन बन जाऊं, आज तक बना नहीं हूं, हालांकि मैं 9 इलेक्शन जीत गया हूं। चौधरी भजनलाल की सरकार में मैं मंत्री था,
मुझे फूड एंड सप्लाईज का महकमा दे दिया था, फॉरेस्ट का सप्लाई दे दिया था, अंट्रपंट्रम और महकमे मेरे को दे दिए थे और भजन लाल की सरकार। और जब मैं गांव के अंदर मंडियों के अंदर जाया करता था कि तुम्हारे वाजिब माल मिल रहा है कि नहीं, FCI में तुम्हारा ग्रेन स्टोर हो रहा है कि नहीं, तो नया नया था मैं, हरियाणा के लिए नया ही था। और जैसे जमींदार होते कोई गाय खरीदने जाता है तो देखता है कि अभी इसके दांत घिसे तो नहीं है, कितनी बूढ़ी है ये गाय, इसकी पूंछ लंबी है कि छोटी, इसके थन कैसे हैं, बैल कैसा चाहिए हमारे को, घोड़ा कैसा चाहिए हमारे को, सबकी परख होती है। और फिर पूछते हैं वल्दियत, तेरी वल्दियत क्या है? तो भाई मेरे से भी वल्दियत पूछी और मैंने कहा राव वीरेंद्र सिंह का बेटा हूं। और जब जाकर के मुझे पता कि नेता क्या होता है, राव वीरेंद्र सिंह उस टाइम कुछ नहीं थे, लेकिन जब मैं मंडियों में जाया करता था तो लोग मेरे से कहा करते थे तो राव आया भाव आया, राव गया भाव आ गया, उसका तू बेटा है, आओ स्वागत करो, हुक्का पी मेरे साथ बैठ करके। नेता तो ऐसे बने जाते हैं, चाहे बेशक थोड़े दिन के लिए बनो, लेकिन जिस दिन आप बनो, जिस दिन आपके पास ताकत आए, उस दिन जनता का सुधार करो, जनता की बात मानो, जनता के दिल के ऊपर छा जाओ, जब ही जाकर के आप नेता कहलाओ जाओगे, वैसे नहीं कहलाओगे। और अब लो जी मेरे मन की बात, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोविड के बाद हम लोगों का धन्यवाद भी नहीं कर पाए। 10 सीट दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मिली, एक बार 1999 के अंदर मिली थी जब कारगिल का युद्ध संपन्न हुआ था, खत्म हुआ था, हम विजयी हुए थे, और एक बार अब मिली जब दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट किया। हम धन्यवाद नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्शन हरियाणा के हुए और हरियाणा के इलेक्शन के अंदर जितनी हम सीट उम्मीद कर रहे थे 75, 90 में से 75 सीट नहीं आई। 3 महीने के 4 महीने के अंतर के अंदर कहां 100% रिकॉर्ड था हमारा रिकॉर्ड घट करके 50% भी नहीं रहा। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं अपनी पार्टी से, और धनखड़ साहब का मैंने पहले ही कहा, बड़े सहनशील है, मैंने देखा है, ऐसे सहनशील नेता नहीं होते तो वो पार्टी नहीं चला सकते। हरियाणा है, ये ऐसा वैसा प्रांत नहीं है, हरियाणा के अंदर भी धाकड़ लोग रहते हैं, कई जगह के अंदर रहते हैं, अपने आप को 30 मार्का समझते हैं, और उनकी सुनी नहीं जाएगी तो आपे से बाहर भी हो जाते हैं। तो धनखड़ साहब सहनशील है बहुत, उनका मैं कुछ याद करूँ, मैंने देखा है छोटी मोटी पार्टी की मीटिंग जो होती है, कोर ग्रुप वगैरह बोलते हैं उसके अंदर होती है, देखता हूँ कि बाद में मेरे को गलत ना समझा जाए। मैं स्टेज से एक बात ये पहले पार्टी को कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का MP हूं, मैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का वजीर हूं, और अब तक मेरा इतिहास है कि जिस पार्टी में मैं रहता हूं, जिस थाली में मैं खाता हूं, उस थाली के अंदर मैं छेद नहीं करता। ये पहले ही स्पष्ट हो जानी चाहिए बात कि लोग कहें कुछ कोई बात के अंदर। और दूसरी बात मैं यूं कहना चाहता हूं पार्टी को और धनखड़ साहब को, तो क्या मैं कहूं, ये तो मेरे साथी हैं, आपके बीच के अंदर कुछ संघ वाले भी बैठे होंगे, आपको पता नहीं, हो सकता है आपका पड़ोसी हो, जो रिपोर्ट करेंगे कि इसके ऊपर क्या हुआ। तो भाई मैं डबली सेफ होना चाहता हूं कि एक तरफ तो धनखड़ साहब कहें, एक तरफ से वो कहें, कहीं ऐसा ना हो बीच के अंदर मेरी बात बरगला दी जाए और खराब कर दी जाए। मैं क्या कहना चाहता हूं पार्टी से कि मैं इस स्टेज से कुछ नहीं मांग रहा। कोई सोचे कि यो इसलिए इसने करी है कि कुछ चाहता होगा,
कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शहीदों को नमन करने के लिए आज के दिन स्टेज के ऊपर आया हूं। पार्टी से मुझे आज के दिन बहुत मिल रहा है, मुझे पार्टी से और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज के ऊपर मैं अड़ सकता हूं, वो मेरी इज्जत, मेरे साथियों की इज्जत, मेरे एरिया की इज्जत, ये नेगोशिएबल नहीं है। और राजनीतिक तौर के ऊपर, राजनीतिक तौर के ऊपर अगर देखो, सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बार अपनी मेजॉरिटी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई अपने बलबूते को। हरियाणा में 90 सीट हैं, हम 47 के ऊपर ही क्यों सीमित रह गए? और अगर यूं देखा जाए कि जहां कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी, जिस एरिया को आज के दिन हम और आप अपना कहते हैं, उसमें एक भी कांग्रेसी नहीं बचा, सारे के सारे लुढ़का दिए जनता ने। और भारतीय जनता के एमएलए को वहां पर स्थापित कर दिया। तो ये हमारा आपका मिलमा क्षेत्र है, जिसके सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से पहली बार सन 14 के अंदर ये सरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी की बनी। और दूसरी बार पता नहीं कहां से नारा निकलाया, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। हम भी गफलत में मारे गए कि भाई 75 तो क्या ही, 80 पहुंच जाएंगे, परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठो जीत जाएंगे। तो भाई हम अहिरवाल से बाहर नहीं निकले, और नतीजा क्या हुआ? क्या अहिरवाल के अंदर भी जो दो चार सीटें थी, पहली दिवाई थी, उनमें भी घाट हो गई। रिवाड़ी जैसी सीट जो हम जीत सके थे, भाई जयचंदों ने हरा दी, हमारी पार्टी के लोग थे, उनको इनाम भी मिल गया। और मैं क्या आपसे एक चीज पूछ सकता हूं कि क्या हम अहिरवाल तक ही सीमित लड़े, नसीबपुर की ही लड़ाई लड़ेंगे, या किसी दिन पानीपत की भी लड़ने के लिए चलेंगे? जो कहानी हम सोचे थे तो हुई नहीं, जो कह रहे थे करेंगे उनसे हुआ नहीं, तो हम उनका योगदान करने के लिए बाहर हरियाणा से निकल के चलें कि नहीं चलें? और ये जो दो सरकारों में हमारा योगदान है, नरेंद्र भाई का आशीर्वाद है, सरकारें बनी हैं, अभी 3 साल बकाए, 3.5 साल और बकाए हैं। एक सवाल और करना चाहता हूं कि जितनी हमने योगदान दिया, क्या उसका वाजिब इनाम हमारे को मिला? मैं नहीं पूछ रहा, यह मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, इसका जवाब नहीं चाहिए मेरे को, यह मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मैं यूं कहना चाहता हूं, जैसे मेरी बेटी ने कहा, घर में देर है, अंधेर नहीं, ऊपर वाले नहीं। दूसरे, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता थोड़े से क्षेत्र के अंदर ही सिमट करके रह गए, हमारे वाला क्षेत्र के अंदर। और हम प्रयास करेंगे, जहां अही रेजिमेंट की करेंगे, वह मैं आपसे अभी से अनुरोध करता हूं कि हम मिलकर के यूं कहें कि भाई किसानों से भी बात करो, बात नहीं बनेगी।
करनी चाहिए। मैं जवानों को कुछ कहना चाहता हूं, भाई अपना इतिहास पढ़ो, समझो। आपकी अभी नई नई बुद्धि है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, क्या पता क्या निर्णय ले बैठो उल्टा सीधा। लेकिन निर्णय लेने से पहले अपना इतिहास जरूर पढ़ो, यह मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, फिर ही जब ही आप सही फैसला ले पाओगे। मैं अपने भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूं, सगे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम भी सोचो, समय बदल रहा है, सोचो। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, मैं जनता का सिपाही हूं, फौजी का बेटा हूं, और मैंने अपना ईमान नहीं खोया है अभी तक। पिछले दिनों के अंदर अहीर कॉलेज हमारा, मेरे बाप ने चलाया, मेरे दादा ने चलाया, उसका विवाद छिड़ गया। 90 साल की लीज खत्म होने जा रही थी, तो कुछ जमीन मालिकों से हमने खरीदी थी, उस पर विवाद छिड़ गया कि भाई सोसाइटी के नाम इंद्रजीत सिंह ने जमीन खरीद ली है, और 30 साल के बाद ये बेच करके मुनाफा खाएगा। मैं 30 साल जीऊंगा, कोई सोचे? और मुझसे अपनी खुद की जमीन नहीं संभल रही, मैं दूसरी खरीद करके क्या करूंगा, मेरे पास अपनी बहुत है। और मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि प्रताप सिंह कैरों की निगाहें इस अहीर कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने रोका। चौधरी बंसीलाल की निगाहें इस कॉलेज के ऊपर रही थी, मेरे बाप ने रोका। हमारी पार्टी के कुछ नेता थे, उनकी निगाहें इसके ऊपर थी कि ये इसका सरकारीकरण हो जाए। गवर्नर को जाकर के चिट्ठी दिए थे, किसी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, मैंने रोका। और जो मैं रोकता आया हूं या मेरा बाप रोकता है, जिस संस्था को अहीर कॉलेज कहते हैं, क्या उसको लिए जमीन मैं बेचने के लिए खरीदूंगा, अपनी ही बेच लूंगा, मेरे तो 2 पीढ़ी आगे तक चल जाएगा काम। आपको विश्वास दिलाता हूं स्टेज के ऊपर से और सामने वाले ऊपर वाले की मौजूदगी के अंदर, शहीदों की रूह के सामने, कि इसके अंदर रत्ती भर का भी करप्शन नहीं हुआ है। मेरे दुश्मन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अगर अपनी जिंदगी में कोई दुश्मनी नहीं बना पाया तो क्या आदमी? मैं अपने दुश्मन का धन्यवाद करना चाहता हूं सार्वजनिक तौर के ऊपर, कि मैं सोच रहा था कि भाई 70 साल का हो लिया बतेरा, 40 साल लोगों की सेवा कर ली, कुछ लोगों की मानी, कुछ पार्टी ने की मानी, कुछ अपनी कही, कुछ नहीं मानी गई, बहुत हो लिया, रिटायर हो जियो, सोच लो। लेकिन मेरे को दे चोभे, दे गुस्से कि इंद्रजीत सिंह तो रिटायर होने वाला है, दे लो रगड़ दो रौन दो इसने, और मैं अपना मन जो ढुलमुल था कि रिटायर हूं या ना रिटायर हूं, पक्का हो गया मैं रिटायर नहीं होऊंगा। आखिर क्यों, आखिर मैं रिटायर क्यों हूं?
सेहत से दुरुस्त हूं, ना मेरे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ना मेरे को ब्लड प्रेशर है, ना मेरे को मिर्गी आती है, और 50 साल के से किसी से दौड़वा करके देख लो बराबर की दौड़ में पार नहीं जाऊं तो गलत कह रहा हूं। तो मैं रिटायर क्यों हूं? और एक सलाह भी देता हूं अपने दुश्मनों को कि मैं औरतों के खिलाफ, अपाहिजों के खिलाफ, मरीजों के खिलाफ नहीं लड़ता। कृपा आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना, मौका फिर से मिलेगा मेरे साथ में लड़ने का। 3 साल बचे हैं अभी इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के 3.5 साल बचे हैं, सेहत का ध्यान उनको रखना चाहिए, जब भी तो मजा आएगा अगर कोई लड़ाई होगी तो। और अगर मुझे, अगर आप हरा देते हैं तो बेशक तांडव कर लेना, लेकिन आज थोड़ी जल्दबाजी है, आज तांडव करने का समय नहीं है। और मैं खत्म करना चाहता हूं एक शेर से, नटवर सिंह जी मेरे दोस्त नहीं, मेरे गाइड थे समझ लो, भरतपुर के शाही खानदान से रिश्ता रखते थे। और जब मैं पहली बार मंत्री बना, विदेश राज मंत्री बना, तो वो बड़े मंत्री थे, मेरे घर भी आए, गिर भी गए, चोट भी लगी, टांका भी लगा, बड़े नेक इंसान, पढ़े लिखे जाट। और उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया जो कि आपके लिए मैं देना चाहता हूं। परवाना हूं, मुलायजा फरमाइए, परवाना हूं, शाम तो हो शम्मा तो हो, परवाना हूं शाम तो हो शम्मा तो हो, जलने के लिए हूं तैयार, कुछ बात तो हो। तो आप लोगों का आज इतना भारी समूह देख करके एक चीज और कहना चाहता हूं जो हेनरी फोर्ड ने कही थी। हेनरी फोर्ड है जिसकी गाड़ी भी चलती है, मर गया बेचारा, अमेरिकन था। उन्होंने कहा था कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो शुरुआत होती है। वो शुरुआत आज आपने कर दी, इतने ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए कि आधे से ज्यादा तो वहां मोड़ से ही उल्टे हो गए। कभी कौन पैदल चलेगा 5-6 किलोमीटर, मोड़ से ही वापस हो गए, गाड़ियों बैठ के हमने देखे। तो वो कहते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो शुरुआत होती है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो तरक्की होती है, प्रोग्रेस, और जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो कामयाबी होती है। तो मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहली पौड़ी तो आपने आज के दिन साध ली, भाई इकट्ठे रहो और इकट्ठे काम करो, आने वाला समय आपका और हमका सभी का होगा। धन्यवाद और जय हिंद। एक मन की बात कहनी है, एक प्रोफेसर छत्रपाल कह नहीं पाए थे, एक मिनट इनकी और कहना, आपके सामने आपकी हाजिरी में भाई बुजुर्ग और नौजवान साथियों, एक मन की बात हरियाणा की एक ही लाइन में कहना चाहता हूं। इस बात का आभारी हूं कि इन्होंने 70 साल नाम कह करके, ये 70 के दिखते भी नहीं है, भी नहीं, उम्र भी इनकी नौजवान जैसी है, और पूरा हरियाणा जो इनकी ईमानदारी, सच्चाई, दोस्ती, और हरियाणा की सत्ता हो, हरियाणवी की सत्ता हो, इस सोच को, और जो इनके पास विरासत है, जब उस विरासत ने पलवल से डबवाड़ी और नारनौल से कालका तक अपने बूते पर सरकार बना दी थी, वो विरासत इनके पास है। हरियाणा इनकी तरफ देखता है, आप यहां तक नहीं, पूरे हरियाणा की बात को लेकर के चलो। आज उस इलाके का संदेश लेकर के, मन की बात लेकर के मैं आपके पास हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हांसी हिसार
वो हांसी शहीदों की धरती है, आपकी तरह से आपकी लड़ाई में शामिल हुए थे। आगे का शहीदी दिवस यदि राव इंद्रजीत सिंह इजाजत देंगे तो हिसार में हांसी में मनाया जाएगा। ये हम आपका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। सभी सभी गांवों की मांग दे दी गई है। हम गांव